हेलो माय टू फैमिली, कैसे हैं आप? होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ छोटा सा ब्लॉग। होप सो कि आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। और ये ब्लॉग है रक्षाबंधन वाले दिन का। सो गाइस, आई नो कि ये ब्लॉग मैं बहुत ही देर से अपलोड कर रही हूँ, सो सॉरी फॉर दैट। और ये एक्चुअली हम लोग आ गए हैं अपनी कार में, और मतलब जा रहे हैं कहीं, और अचानक से प्लान बना था हमारा जाने का। सो कहाँ जा रहे हैं वो आपको भी दिखाएंगे। घुमाने के लिए मतलब दोपहर में ही आ गए ऑफिस छोड़ के। बताओ आनंद लिया ना? हाँ। अभी कहाँ जा रही है घूमने? पता नहीं अभी कुछ फिक्स नहीं है। दर्शन करने? हाँ, देखते जहाँ भी जाएंगे आपको साथ में दिखाएंगे। अभी हमारे यहाँ पे बच्चा पार्टी की मस्ती चल रही है, उनकी पागलपंती शुरू है। सो फाइनली डिसाइड हो गया है कि हम लोग सबसे पहले कहाँ जाएंगे, एंड देन उसके बाद देखेंगे कि टाइम बचता है तो कहाँ जाएंगे। सो ये यहाँ पे है, आप देख सकते हैं स्कॉन टेम्पल आने वाला है। सो ये देख सकते हैं आप स्कॉन टेम्पल ऑफ कानपुर, जिसका व्लॉग मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है अपने चैनल पे। और व्लॉग काफ़ी लेंदी हो जाता है, इसीलिए मैंने अलग अलग दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ताकि आप लोग भी बोर ना हो और व्लॉग ज़्यादा बड़ा ना हो, इसीलिए मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सो फाइनली हम लोग आ गए हैं गंगा बैराज। वैसे किसी का डिसाइड हुआ नहीं था कि कहाँ जाना है, सो अचानक से मतलब हुआ कि चलो गंगा बैराज जाते हैं। सो सबसे पहले हम लोग वहाँ गए थे, एंड देन उसके बाद हम लोग गए थे मंदिर, मतलब इस्कॉन टेम्पल मंदिर गए थे। और हमारे मतलब मामा जी के बच्चे थे, सो वो लोग आए थे, तो ये हुआ कि चलो गंगा जी के दर्शन करा देते हैं, उसके बाद मंदिर चलते हैं हम लोग। सो फाइनली हम लोग आ गए हैं। सो आप देख सकते हैं ये है गंगा बैराज का पुल, और बहुत ही अच्छा है। और पानी का लेवल यहाँ पे इतना बड़ा हुआ था कि अभी आपको दिखाते हैं।
दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग, हम लोग जब लास्ट टाइम पे आए थे तो इतना मतलब पानी का लेवल नहीं था, बट इस टाइम तो कुछ ज़्यादा ही है। यहाँ से थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, बट मैं अभी आपको थोड़ा सा आगे दिखाती हूँ क्लियरली। सो यहाँ पे जो है ना गंगा बैराज, रोड के दोनों साइड आप देख सकते हैं कि काफ़ी सिक्योरिटी पर्पज से मतलब सेफ्टी रखी गई है, और ग्रिल की हाइट भी काफ़ी बढ़ा दी गई है ताकि कोई गिरे ना, किसी को मतलब नुकसान ना हो। सो यहाँ से हम लोग निकल गए हैं, और क्योंकि ज़्यादा टाइम तक हम लोग यहाँ पे नहीं रुके थे, ऐसे ही लोग सेल्फी वगैरह या फ़ोटो वगैरह क्लिक कराने के लिए यहाँ पर रुकते हैं, या किसी को टाइम स्पेंड करना होता है तो वो अपना रुकता है यहाँ पर। बट हम लोग यहाँ से निकल गए, और गंगा बैराज से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है अटल घाट। सो अब हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, और इसका ब्लॉग मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है, सो ज़्यादा मैं इसका फुल ब्लॉग नहीं करूँगी, थोड़ा बहुत इसमें दिखाऊँगी आपको। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि गंगा जी का जो लेवल है वो कितना मतलब क्लियरली आप देख सकते हैं। सो ये है गंगा बैराज, सामने आप देख रहे हैं ये है गंगा बैराज, और ये है अटल घाट पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। सो ये देख सकते हैं कि आप पानी का लेवल कितना बढ़ा हुआ है गंगा जी का, और जब हम लोग लास्ट टाइम पे आए थे ना तो इतना मतलब पानी का लेवल नहीं था, ये देखिए मतलब घुटने तक पानी लग गया है। और लास्ट टाइम पे जब हम लोग आए थे तो यहाँ पे सब लोग खड़े होकर सेल्फी वगैरह लेते थे, मतलब पानी का लेवल इससे बहुत ही नीचे था, बट इस टाइम पर आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ तक भर गया है। और ये देखिए पीछे एक लोग मतलब बच्चों को यहाँ पे नहला रहे हैं, और अगर आप मेरे लास्ट वाले ब्लॉग में देखेंगे तो यहाँ तक पानी नहीं था, इसके बहुत ही नीचे था हम लोग, क्योंकि हम लोग इसके नीचे गए थे, और इसके नीचे हम लोग जाकर मतलब सीढ़ियाँ हैं, सो वहाँ पे हम लोग जाकर गंगा जी के मतलब दर्शन किए हुए थे। बट इस टाइम पर मतलब देख सकते हैं आप लोग। सो आप लोगों को गंगा जी के दर्शन करके कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताइए कॉमेंट करके। सो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। हम लोग गए थे काफ़ी मतलब पानी का लेवल थोड़ा ऊपर आ गया, तो हम लोग गए थे थोड़ी देर एंजॉय करके चले आए, फिर नहीं हाँ लिया है दीपिका ने लिया हुआ। तो इसका फुल ब्लॉग मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, तो इसलिए मैं फुल ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, नहीं तो फुल इंजॉय कर रही हूँ। मैंने फुल इंजॉय करा है, बहुत मज़ा आ रहा है। पानी का लेवल बहुत ज्यादा चला गया ना, चला गया है। अभी बादल थे और कितनी तेज धूप हो गई है ना, अभी गर्मी होने लगी, ऐसे बहुत प्यारा मौसम हो रहा था, बहुत अच्छा। बट अभी धूप निकल आई, बहुत जोरों की धूप निकल आई है अभी, तो अभी हम लोग अच्छी बैठे हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, इंजॉय कर रहे हैं, चलते हैं अभी आगे लेकर आपको, देखते हैं कहाँ जाते हैं अभी। तो ये देख सकते हैं बादल, मौसम बिल्कुल साफ हो गया है, तो परेशान कर रही है। हाँ वो ऐसे ही है, उसके पास खुली जगह मिल जाए। विनय का बड़ा मन था तैरने का, था तैरने का, हाँ तैर नहीं पाया बेचारा, घर में टैंक से चलेंगे कभी। सो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग निकल गए हैं, अब जा रहे हैं मंदिर। सो उसका ब्लॉग मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। सो गाइस आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये ब्लॉग पसंद आया हो सो प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो ये देख सकते हैं आप घर आने के बाद कितने काले घने बादल छाए हुए हैं, और उस दिन काफ़ी ज़ोरों की बारिश हुई थी, बट हम लोग घर आ गए थे टाइम पे। सो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।